हेलो स्टूडेंट्स, तो आज नया चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। ठीक, इस चैप्टर की वेटेज की बात की जाए तो ये अलजेब्रा के तहत आता है। ठीक, आव्यूह और इसके बाद जो सारणिक आपने पढ़नी है ये दोनों ही अलजेब्रा में आते हैं, तो इसलिए इनके कंबाइंड मार्क्स 13 मार्क्स का आपका वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एवरेज हम 13 मार्क्स इन दो चैप्टर्स के लिए रखे गए। ठीक, जैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर रियल एनालिसिस के तहत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड रिलेशन फंक्शन दोनों कंबाइंड होके 10 मार्क्स उनका वेटेज है। ठीक, तो अब जब चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स और चैप्टर नंबर 4 सारणी, इन दोनों का कंबाइंड जो वेटेज रहता है वो 13 मार्क्स। ठीक, तो अक्सर जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो डिटरमिनेंट से पूछा जाता है यानी कि सारणिक से, और मैट्रिक्स से अक्सर आपके पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, लेकिन कभी 6 मार्क्स में दे भी देता है, वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि सारणिक से 6 मार्क्स का आता है और 4 मार्क्स का मैट्रिक्स से देता है। ठीक है ना, बाकी ये कार्ड नंबर जो ऑप्शनल होते हैं 1 मार्क्स वाले वो दोनों से मिक्स आते हैं। ठीक, तो एक 4 मार्क्स का परफेक्टली तैयार होगा मैट्रिक्स से, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ठीक, 4 मार्क्स है तो चैप्टर भी छोटा है इसका। ठीक, और आसान भी है समझने। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट टाइप है। ठीक, चलो लाइट पे आ गई। देखिए मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स कुछ नहीं, संख्या हूं, फंक्शन हूं। ठीक है, संख्या भी हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, उनका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक, मैंने आपको बहुत सारे नंबर दिए, 2, 21, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे दिया मैंने, 2 आयोटा, ठीक, 25, 26, ठीक, इस प्रकार से मैंने आपको नंबर्स दे दिए डिफरेंट डिफरेंट। ठीक, 27 दे दो। ठीक, मैंने कहा कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाओ, रेक्टेंगल तो आप जानते ही हैं मैथ्स में है ना, इस टाइप का अरेंजमेंट। ठीक है, हो सकता है ये इस टाइप से तो नहीं बनाएंगे, लेकिन यहां खाली रखेंगे इसको। ठीक, यू यू। ठीक, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसी भी प्रकार का आप बना सकते हैं। ठीक, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाना इन नंबर्स का। ठीक, तो मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि आप इन नंबर्स को ऐसे रेक्टेंगल में अरेंज कीजिए, एक रेक्टेंगल के शेप में अरेंज कीजिए। तो पहले स्टूडेंट ने इनको अरेंज किया, देखिए नंबर साइड में लिख देता हूं मैं पहले। ठीक, नंबर जैसे 25, 27 है ना, 2 आयोटा, माइनस आयोटा कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, 21, ठीक, 45, इस प्रकार से मैंने 6 नंबर लिए। ठीक, मैंने स्टूडेंट से कहा, पहले स्टूडेंट से कहा कि इन नंबर को रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज कीजिए। ठीक, तो एक स्टूडेंट ने इसको इसके फॉर्म में चेंज किया, कैसे, 25, उसने कहा कि मैं एक ही लाइन में लिख देता हूं सबको, 25, 27, 2 आयोटा, माइनस आयोटा, 21 और 45। ठीक, एक स्टूडेंट ने इसको ऐसे लिखा। ठीक, कोई भी रेक्टेंगल तो बनाएगा है, देखो इन दोनों को मिलाओ एक रेक्टेंगल से ही बन रहा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, उसने पूरे के पूरे जो भी एलिमेंट थे एक ही रो में लिख दिए। ठीक, ये तो स्टूडेंट 1 ने लिखा। ठीक, स्टूडेंट 2 ने इसी अरेंजमेंट को इस प्रकार से लिखा, 25, 27, 2 आयोटा, फिर उसने सेकंड रो यूज की, माइनस आयोटा, 21, 45। ठीक, ये भी अपने आप में एक मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, उन्हीं नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ये भी आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही है। तीसरे स्टूडेंट ने किया,
27, उसके बाद उसने अगली रो यूज की, 2i - i, उसने फिर से अगली रो यूज की, माइनस आयोटा तक ले गया था, फिर 21, 45, ठीक। तीसरे स्टूडेंट ने इसको ऐसे अरेंज किया, अभी भी तो देखो रेक्टेंगल ही तो बन रहे हैं, यानी कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, ये भी आप अपने आप में एक आप व्यू है ना, अपने आप में एक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट फोर ने इसी को किस फॉर्म में बनाया, उसने कहा मैं इनको कॉलम वाइज बिल्कुल वर्टिकल लाइन में लिख देता हूं सर, उसने कहा 25, 27, 2i - i, 21 और 45, उसने कहा दो, ये भी तो अभी रेक्टेंगुलर बना रहा है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, भले उसने एक ही वर्टिकल लाइन में उसने अरेंज किया है तो क्या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो कुल मिला के आप व्यू या मैट्रिक्स, कोई भी आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाओ नंबर्स का, या फंक्शन भी हो सकते हैं इसकी जरूरत, ये तो नंबर्स है ना, ये तो नंबर्स है, आप इनके लिए फंक्शन भी ले सकते हैं, फंक्शन जैसे एक्स ले सकते हो, एक्स स्क्वायर है ना, 2x, एक्स बाय एक्स प्लस 1, कुछ भी लिया जा सकता है नंबर्स की जरूरत, ठीक है ना। इनको हम अवयव कहते हैं, प्रविष्टियां, एलिमेंट इंग्लिश में, इंग्लिश में एलिमेंट लेंगे, नंबर या फंक्शन जो भी रख रहे हो इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में, उनको हम प्रविष्टियां या अवयव कहते हैं हिंदी में, कहो तो इंग्लिश में कहो तो एलिमेंट कहते हैं उनको, ठीक। और जो ये अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, इसको हम आप व्यू कहते हैं, ठीक। अब बात आती है क्या कुछ डिफरेंट होगा इन अलग अलग अरेंजमेंट, ठीक। तो पहली बात तो जो आपके पास एक पहली रो है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची आपने, ठीक, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन, ठीक, यानी कि इन दो एलिमेंट से जाने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने खींची, ठीक, तो इसको कहा रो, यानी कि पंक्ति, हिंदी में कहोगे पंक्ति, ठीक। अभी अच्छे से दिखाएंगे, पहले समझ लो, ठीक। ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन पहली पंक्ति, इसको अक्षर हम आर वन से है, रो कहते हैं इसमें, पहली पंक्ति है इसलिए आर वन इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, ठीक। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से भी तो जा रही है, इन दो एलिमेंट से पास होगी, है ना, ये आपके पास पंक्ति दो, यानी कि इंग्लिश में रो टू कहोगे, है ना, आर टू। उसी प्रकार से इन एलिमेंट्स से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है, इसको हम रो थ्री, यानी कि पंक्ति थर्ड, है ना, तीसरी पंक्ति, यानी कि इसको हम आर थ्री है, ठीक। उसी प्रकार देख सकते हो, ये पंक्ति वन, पंक्ति टू, ठीक, यानी कि आर वन, ये आर टू। उसी प्रकार से ये एक पंक्ति आर वन, उसके बाद पंक्ति है ही नहीं उसमें, देखो, है ना, केवल एक पंक्ति है इसमें। उसके बाद यहां देखो तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं जाओगे, ठीक है ना, पंक्ति यानी कि रोड उठना है तो आपने बिल्कुल एलिमेंट से जाती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी, ठीक। एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहली पंक्ति यानी कि आर वन, ठीक, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन इससे ज्यादा चाहे एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट एक ही तो है 27, कोई फर्क नहीं पड़ता है एक अवयव हो या ज्यादा अवयव हो, ठीक, ये दूसरी रो, ठीक। इस अवयव से जाने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी तो है, यानी कि ये तीसरी पंक्ति होगी आर थ्री। इस अवयव से जाने वाली भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो आप, चौथी पंक्ति यानी कि रो फोर आर फोर कह सकते हो शॉर्ट में, ठीक, ये आर फाइव, ये आर सिक्स, यानी कि इस अरेंजमेंट में आपको छह रो मिले, इस अरेंजमेंट में तीन रो, इस अरेंजमेंट में देखो ये आर वन, ये आर टू, दो रो, इस अरेंजमेंट में केवल एक रो है, देखिए केवल एक रो, ठीक। तो कुल मिला के जो हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करती है, जो भी एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती है, उस लाइन फॉर्म रो कहते हैं, ठीक। अब आपको एक लाइन ऐसी तो दिख रही है वर्टिकल टाइप, एलिमेंट से जाती हुई वर्टिकल दिख रही है ना, हर केस में वर्टिकल लाइन दिख रही है, एक वर्टिकल, दूसरी वर्टिकल, तीसरी वर्टिकल, चौथी वर्टिकल, पांचवी, छठी वर्टिकल, इन वर्टिकल लाइंस को, एलिमेंट से गुजरने वाली इन वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम कहते हैं, या हिंदी में स्तंभ, जानते ना, स्तंभ, कॉलम, बिल्कुल धरती के एकदम परपेंडिकुलर तो डाला जाता है, उनको वर्टिकल, वर्टिकली डाला जाता है, ठीक। तो इन वर्टिकल लाइंस को यहाँ कॉलम कहा जाता है, यानी कि स्तंभ,
हिंदी में कहो तो स्तंभ, इंग्लिश में कहो तो कॉलम। ठीक, देखिए फिर जैसे इस एलिमेंट से जाने वाली है वर्टिकल लाइन, पहली पंक्ति, सॉरी पंक्ति तो रोगी, स्तंभ कहोगे इसको। ठीक, क्या कहोगे? स्तंभ, स्तंभ यानी कि कॉलम, सी ओ एन यू एम एन। ठीक, कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम है तो इसको सी से डिनोट किया जाएगा, सी वन, पहली कॉलम सी वन है ना। दूसरी वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ कर सकते हो इस एलिमेंट से जाने वाली, तो ये सी टू यानी कि सेकंड कॉलम यानी कि दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ सी थ्री, चौथा स्तंभ सी फोर, पांचवा स्तंभ सी फाइव, छठा स्तंभ सी सिक्स। यानी कि इस अरेंजमेंट में, मैट्रिक्स के इस अरेंजमेंट में आपको कितने स्तंभ दिखे, कितने स्तंभ दिखे? छह स्तंभ यानी कि छह कॉलम। ठीक, मैं आप कॉलम यूज करूंगा, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक, आप कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहेंगे और रो को पंक्ति कहेंगे। ठीक, मैं अब बार बार यूज नहीं करूंगा, मैं कॉलम और रो को, वो ज्यादा कंफर्ट रहता है। ठीक, तो इसमें छह कॉलम आपके पास। ठीक, रो कितने हैं? सिर्फ एक, यानी कि इस अरेंजमेंट में रो आपके पास एक और कॉलम आपके पास छह। उसी प्रकार इस अरेंजमेंट में आओ, इस व्यू में आओ, इस मैट्रिक्स में आओ, तो देख सकते हो आप दो रो बन रही है, इसमें कॉलम कितने बनेंगी, वन टू थ्री, यानी इसको सी वन कहोगे, इसको सी टू, इसको सी थ्री। ठीक, कहने का मीनिंग इसमें आपके पास दो रो बन रही है और तीन कॉलम। इस अरेंजमेंट में आइए, एक दो तीन, तीन तो रो है। ठीक, और वर्टिकल लाइन कितनी रो बन सकते हो एलिमेंट से जाती हुई, दो, सी वन सी टू, यानी कि तीन रो दो कॉलम। इस अरेंजमेंट में देखो आपके पास रो छह मिले थे, कॉलम देखो केवल एक वर्टिकल लाइन खींच सकते हो एलिमेंट से जाती हुई, एक ही वर्टिकल लाइन, उसके अलावा तो एलिमेंट ही नहीं अगली वर्टिकल के लिए। ठीक, यानी कि ये कॉलम फर्स्ट सी वन, यानी कि एक कॉलम इसमें, इस अरेंजमेंट में आपके पास कुल छह रो है और एक कॉलम। ठीक, और इनको हम अवयव कहते हैं। ठीक, जैसे ये पैंतालीस आया, इसकी जगह एक्स भी आ सकता था, कोई फंक्शन भी आ सकता है। ठीक, तो इनको हम क्या कहते हैं, अवयव, अवयव ऑब्लिक प्रविष्टि, प्रविष्टि भी कहते हैं इसको, प्रविष्टि। ठीक, इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है, इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इन सबको हटा देते हैं, भेज भी तो चुकी है बहुत, फिर से एक नया अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक, तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि किसी भी नंबर या फंक्शन के एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, और उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम क्या कहते हैं, रो, और जो वर्टिकल लाइन होती है उनको हम कॉलम कहते हैं। ठीक, और भी बहुत कुछ जानना है इसके बारे में। ठीक, देखिए फिर मैंने कोई एक मैट्रिक्स उठाई, मैट्रिक्स क्या है, नंबर्स का अरेंजमेंट, यानी कि इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में आप कोई नंबर डाल दें, 5, 4, 0, -5, 0, 1 है ना, 5, रिपीट भी हो सकते हैं नंबर। ठीक है ना, जैसे 5 है, 5 दोबारा डाल दिया। ठीक, जैसे सेट में तो क्या होता था, रिपीटिंग को हम केवल एक बार लिखते थे, यहाँ एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, सबके सब एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, 5, 5, 5, 5 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम बात एलिमेंट की करते हैं, बात अब करते हैं एलिमेंट की, एलिमेंट की पोजिशन की। ठीक, इस एलिमेंट को किस नाम से पुकारेंगे, ठीक, इस एलिमेंट को किस नाम से पुकारेंगे। ठीक, एलिमेंट से पहले ऑर्डर बताएं, चलो एलिमेंट का नाम बाद में लेते हैं, पहले हम ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक, ऑर्डर या ओटी, अभी ये जितनी चीजें बताई जा रही है मैं एक ही मैट्रिक्स में पूरा डिटेल में लिखवा दूंगा ताकि उसको नोट कर सको। ठीक है, इस चीज को नोट मत करो, केवल समझिए इन सबको हम एक ही मैट्रिक्स के थ्रू पूरा लिखो, यहां पर प्रेजेंट कर देंगे ताकि उसको नोट कर सको आप। ठीक है, ठीक, पहले ओटी यानी कि ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले कुछ बाई कुछ के फॉर्म में लिखा जाता है इसको। ठीक, यहाँ रो नंबर लिखा जाता है, यहाँ कॉलम, कितनी रो है, बाई कितना कॉलम। जैसे देखिए रो, रो किसको कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना ड्रॉ कर सकते हो,
तीन लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक, यानी इसके पास तीन रो है, ठीक। फिर बात आती है कॉलम कितने इसके पास, है ना, कॉलम के लिए वर्टिकल लाइन एलिमेंट्स पास होने वाले, दो तीन, तीन कॉलम इसके पास, है ना, यानी कि थ्री बाई थ्री ऑर्डर है ना, ये जो थ्री बाई थ्री है ये इसका ऑर्डर क्या है, ठीक। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा यानी कि कोटी वो कितनी आ जाएगी, थ्री बाय थ्री, ठीक। इसी प्रकार से एक दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं, वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, नंबर का मीन्स मैट्रिक्स है, ठीक। तो इसके ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर में आपने लिखना होता है रो नंबर बाय कॉलम नंबर, रो नंबर बाय कॉलम नंबर, रो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, दो, वर्टिकल लाइन एक दो तीन, कितने हैं, तो इसका ऑर्डर अगर कोटी पूछा जाए आपसे तो क्या कहोगे, टू बाई थ्री, इसकी कोटी हो जाएगी टू बाई थ्री, ठीक। एक अगला अरेंजमेंट, वन टू थ्री फोर, ये भी तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक, ये भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, यानी कि मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर होगा, ठीक। ऑर्डर को लिखा जाता है रो नंबर बाय कॉलम नंबर से, रो कितने हैं इसके, वन टू थ्री फोर, है ना, एलिमेंट से जाते हुए आप फोर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हो, तो इसलिए इसके पास फोर रोज हैं। कॉलम कितने हैं इसके पास, एलिमेंट से पास होने वाली केवल एक तो वर्टिकल लाइन है, मींस केवल एक कॉलम इसके पास, तो इसका ऑर्डर हो गया फोर बाय फोर, इसका ऑर्डर हो जाएगा यानी कि कोटी फोर बाय वन, ठीक। ऑल द अरेंजमेंट देखिए, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, कोई फंक्शन भी ले सकते हो, ठीक, मैंने इस बार फंक्शन ले लिया एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक, इसकी कोटी बतानी है आपको, ठीक, बहुत इजी है, ठीक। एलिमेंट से पास होने वाली कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन, केवल एक, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका पास होगा, ठीक, यानी कि रो नंबर तो आ गया वन, ठीक। कभी भी पहले ऑर्डर लिखना तो रो पहले लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है, यहां पर रखना, ठीक। अब बात क्या आती है कॉलम की, कितनी वर्टिकल लाइन की सकते हो एलिमेंट से पास होने वाली, थ्री, तो यह जाएगा वन बाय थ्री इसका ऑर्डर, वन बाय, तो ऑर्डर आप समझ चुके हैं, रो नंबर इंटू कॉलम नंबर वो आपके पास ओटी यानी कि ऑर्डर गया, ठीक। उसी प्रकार से अब हम अलग अलग प्लेस पे जो एलिमेंट है उनको अलग अलग नाम से जानते हैं, तो इनका नामकरण करते हैं, इनका एलिमेंट्स का, किसी मैट्रिक्स में उपस्थित जो भी एलिमेंट है उनको एक अदद नाम से हम पुकारते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक। देखिए मैं कोई भी अरेंजमेंट ले रहा हूं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स का, ठीक, या आप इसमें फंक्शन भी डाल सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये मैंने नंबर लिए और उसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखा, ठीक। तो अभी तक हम ये जान चुके हैं कि इसका जो ऑर्डर है, तीन इसके रोज बनेंगे, तीन इसके कॉलम बनेंगे, यानी कि इसका ऑर्डर तो कितना हो गया फिर, ये थ्री बाय थ्री, ठीक। बात आती है एलिमेंट को नाम कैसे दें, ठीक, तो उसके लिए आपने देखना होता है किस रो और किस कॉलम का मेंबर है, किस रो और किस कॉलम का मेंबर है, ठीक। देखो ये किस रो का मेंबर है फर्स्ट, किस कॉलम का मेंबर है सी वन, तो होगी इसको पहला ही तो कॉलम है वन, यानी इसको वन वन नाम देंगे, लेकिन उसके आगे कुछ रिप्रेजेंटेशन, या तो ए लिखो बी लिखो सी लिखो डी लिखो आपकी मर्जी, कुछ भी लिखो, ठीक। जनरली इसको ए लिखा जाता है, जनरली ए लिखा जाता है, बी वन वन भी कह सकते हो इसको, सी वन वन भी लिख सकते हो, डी वन वन भी लिख सकते हो, ठीक। एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्मॉल लेटर रखो की मर्जी, ठीक। तो ये पहले रो और पहले कॉलम का मेंबर है, इसको हम ए वन वन कहेंगे, ठीक, आप डी वन वन भी कह सकते हो, वन वन जरूर लिखोगे सब स्क्रिप्ट में, वन वन जरूर लिखोगे, इसकी जगह आप बी सी डी कुछ भी ले सकते, ठीक, ए वन वन। उसी प्रकार से देखिए तो ये पहली रो का मेंबर है, ये कॉलम कौन सी हो जाएगी, दूसरा कॉलम के लिए कौन सा हो जाएगा, दूसरा, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम,
A12 से डिनोट करोगे इसको, ठीक। इस एलिमेंट को पहली रो का तीसरी कॉलम का, पहली रो का और तीसरी कॉलम का A13, ठीक। उसी प्रकार से ये देखिए रो सबसे पहले चेक करो कौन सी रो का है, सेकंड रो का, कौन से कॉलम का, पहले कॉलम का। तो इसको लिखोगे सेकंड कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम A21 लिखोगे, ठीक। ये देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि ए सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि A22। इसी प्रकार से ये वाला नंबर देखिए सेकंड रो का आ रहा है और थर्ड कॉलम का, यानी कि 2 3, A23 नाम होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से ये वाला देखिए कौन सी रो का है, तीसरी रो का, कौन से कॉलम का है, पहले कॉलम का, ठीक। तो रो है आपके पास 3, कॉलम है 1, यानी कि A31। उसी प्रकार से ये देखिए तीसरी रो और दूसरे कॉलम का, तीसरी रो दूसरे कॉलम का A32, ठीक। इसी प्रकार यानी कि तीसरी रो और तीसरी कॉलम यानी कि A33, ठीक। अब देखिए एक और चीज, 3 × 3 होता है कितना है 9, यानी कि ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन, ये ऑर्डर है ना 40, जिसका मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है 9, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, उसमें कितने अवयव है, ठीक। ये 9 ये रिप्रेजेंट करेगा अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या देख सकते हो इसमें 9 अवयव है टोटल, ठीक। इसलिए ऑर्डर 3/5, अगर ऑर्डर इसका ये होता 4/5, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होती, 20, अवयवों की संख्या होती 20, ठीक। इस प्रकार ऑर्डर से आप कितने नंबर है ये भी बता सकते, ठीक, एलिमेंट के कितने नंबर है वो भी बताया जा सकता है, ठीक। ये तो बात होगी नेमिंग की, ऑर्डर की, ठीक। अब बात आती है एक जनरल एलिमेंट, ठीक, यानी कि ये तो फाइनाइट से एलिमेंट दिए थे आपको, 9 एलिमेंट दिए थे आपने ऐसे अरेंज कर दिए, ठीक। अभी ऐसे भी मैट्रिक्सेस बनेंगे जिसमें फाइनाइट ना हो, ठीक है ना, बहुत सारे नंबर दे दिए आपके, है ना, इनफाइनाइट नंबर दे दिए, तो उस केस में आपको जनरल एलिमेंट की आदत होनी चाहिए, ठीक। एक क्या कहते हैं उसको जनरल एलिमेंट, ठीक है ना, AIJ उसको अक्सर कहा जाता है मैट्रिक्स की दुनिया में, उसको AIJ से डिनोट किया जाता है, एक जनरल एलिमेंट, ठीक। बात करते हैं जनरल एलिमेंट मैट्रिक्स में, ठीक। तो देखिए मैंने एक मैट्रिक्स ली, इनफाइनाइट आपके पास अभी नंबर आने वाले, ठीक, इनफाइनाइट नंबर आने वाले, ठीक, इसलिए कोई सीमित नहीं होंगे। मैं अब उनको 1 2 3 न बैठे, अब तो हमें पता चल गया पहले पोजीशन पे A11 A12 A13 इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक, यानी कि इस पोजीशन पे जो नंबर आएगा उसको मैं A11 कहूंगा, ठीक। इस पोजीशन पे पहली रो का है सेकंड कॉलम पे एलिमेंट A12, ठीक, यहाँ पे A13, ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे A14 अप टू सो ऑन। मैंने लिमिट अभी इसकी कोई फिक्स नहीं की है, कितने भी एलिमेंट इसमें आ सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार दूसरे रो में देखिए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, है ना, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी कि A23। इसी प्रकार से A24 अप टू सो ऑन ऐसे नंबर आते रहे, ठीक। उसी प्रकार A31 A32 A33 A34 अप टू नंबर आते रहे, ठीक। उसी प्रकार से देखिए, चलो लास्ट नंबर पे लिख दें, इसको मैं A1N कह देता हूं, लास्ट नंबर, ठीक, इसका नहीं एन पर हो गया, सब स्क्रिप्ट में 1 के साथ आएगा A1N, इसका नहीं पहली रो का N कॉलम, यानी कि टोटली फिक्स हो गया जिसमें N कॉलम है, ठीक, N कॉलम है, ठीक। उसी प्रकार से सेकंड रो का nth कॉलम A2N आएगा, उसी प्रकार से थर्ड रो का यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो A3N आएगा, ठीक। इसी प्रकार से इसकी भी कोई लिमिट नहीं रखी, यानी कि अप टू सो ऑन कितने भी नंबर इसमें आ सकते हैं, ठीक, कितने भी नंबर इसमें आ सकते हैं,
लास्ट में हमने मान लो इसमें एम रो है, एम रो है, तो इस जगह पे आप एम एथ रो का आएगा, एम रो है मैं मान रहा हूं, और एम कॉलम, एम तो ले चुके हैं हम कॉलम, ठीक, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, इसी प्रकार चलते चलते एन कॉलम। अब मैं इसी प्रकार से पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो चाहता हूं कि इसी प्रकार से एम रो आ जाए, ठीक, एम की जगह ताकि मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकूं, ठीक। तो ये एम एथ रो है, तो एम एथ रो का फर्स्ट मेंबर यानी कि फर्स्ट कॉलम का मेंबर, ठीक, एम एथ रो और फर्स्ट कॉलम का मेंबर ए एम वन, उसी प्रकार से ए एम टू, फिर ए एम थ्री, फिर ए एम फोर, इसी प्रकार चलते चलते ए एम एन, ए एम एन है ना, एम एथ रो ये वाली, एम एथ कॉलम, ए एम एन लास्ट में, ठीक। तो क्या इसका आप ऑर्डर बता सकते हैं, इसका ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर मीन्स कोटि, इस मैट्रिक्स की कोटि, ठीक। इन मैट्रिक्स को ना, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ये पूरा मैट्रिक्स है ना, जो एलिमेंट होते हैं उनको तो स्मॉल लेटर ए बी सी कुछ भी डाल दो, ठीक, सब स्क्रिप्ट में रो नंबर कॉलम नंबर लिखो, ठीक। लेकिन इस पूरे होल अरेंजमेंट को यानी कि जिसको आप मैट्रिक्स कहते हो उसको आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो, ए बी सी डी, इस प्रकार से, ठीक। जैसे वहां सेट के केस में तो हमने कहा था जो एलिमेंट है स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और जो पूरा सेट है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से यहां भी है कि एलिमेंट को आप स्मॉल लेटर से डिनोट करते हो लेकिन रो नंबर और कॉलम नंबर के साथ, ठीक। जैसे इसका रो नंबर आपने देखा ए टू टू का सेकंड रो का एलिमेंट था और सेकंड कॉलम का था, इसलिए सबस्क्रिप्ट टू टू लिखा है ए टू, ठीक। और जो होल अरेंजमेंट मैट्रिक्स है उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक, ए बी सी। तो इसका अगर ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, एम रो, रो तो इसमें टोटल कितने हैं एम, और इसमें कॉलम कितने हैं वन टू थ्री, ऐसे चलते चलते एम, एम बाई एम, यानी इसका ऑर्डर कितना आ गया आपके पास एम बाई एम, ठीक, ऑर्डर आपके पास एम बाई एम, इनको आप एलिमेंट कहते हो, इनको चलो इनको हम अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लिख सको, ठीक, फियर कॉपी में लिख सको। इसको हम कॉलम कहते हैं, ठीक, इसको फर्स्ट कॉलम, इसको कहेंगे सेकंड कॉलम, इसको कहेंगे थर्ड कॉलम सी थ्री, इसको फोर्थ कॉलम सी फोर, ठीक, ऐसे चलते चलते इसको आप एनथ कॉलम कहोगे सी, ठीक। उसी प्रकार जो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आप कहोगे पहली रो यानी कि पंक्ति, इसको कहोगे स्तंभ और इसको पंक्ति, ठीक। रो आर वन, ये आपके पास सेकंड रो है आर टू, ये आ जाएगी आर थ्री, अभी एक और आएगी, ठीक। इसी प्रकार चलते चलते आर एन, टोटल इसके पास एम रो है और एन कॉलम, ठीक, ये लिख लो। और इसकी कोटि कितनी होगी, रो इनटू कॉलम, यानी कि रो एम और एम क्या आपके पास कॉलम एम बाई एन। इसका जो ऑर्डर है यहीं पर लिखे, ऑर्डर यानी कि कोटि, ये आपके पास एम बाई एन, एम बाई एन, ठीक। और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है एम एन होंगे, देखना कोटि अगर आपके पास एम इंटू एन है तो इसमें जो टोटल नंबर होंगे वो एम इंटू एन यानी कि एम एन होंगे, ठीक। आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक, अभी तक की चीजें आपको केवल समझाई गई थी, इसको नोट कर दो आप, ठीक है। जनरल फॉर्मेट, हम एक जनरल एलिमेंट की भी तो बात कर रहे थे, जनरल एलिमेंट पर तो पहुंचेगी। देखिए पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ऐसे चलते चलते बीच में कहीं आयत रो आई होगी, मान लो यहां पर आपको आई मिला, आयत रो, आर आई आयत रो, ठीक। ऐसी कॉलम में भी चलते चलते आपने जेएफ कॉलम ढूंढा, ठीक, कोई भी जनरल जेएफ कॉलम, मान लो यहां पर आपके पास जेएफ कॉलम मिला सी जे, जेएफ कॉलम सी जे, ठीक। इनका जो एलिमेंट आएगा है ना,
यहां पर जो एलिमेंट आया हुआ है आयत रो और jth कॉलम का, आयत रो jth कॉलम का जो एलिमेंट है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, aij, ठीक, एक जनरल एलिमेंट aij, ठीक, एक जनरल एलिमेंट हमने लिख दिया aij। इसको जनरल एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, देखो क्योंकि i की जगह अगर 1 रखोगे, j की जगह 1, a11 मिलेगा आपको, 1 रखो j की जगह 2, a12, i की जगह 1, j की जगह 3, a13, कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना, इस जनरल एलिमेंट aij से i और j की वैल्यू रख के आप कोई भी एलिमेंट ढूंढ सकते हो, इसलिए ये आपके पास aij जनरल एलिमेंट है, ठीक। जनरल एलिमेंट मींस एक सबका लीडर, ठीक, एक सबका लीडर जिसको मान सकते हो, जिसमें i और j की वैल्यू अलग अलग रखने पर आपको अलग अलग एलिमेंट मिल जाएंगे मैट्रिक्स, ठीक। तो इसको हम कहते हैं जनरल एलिमेंट, ठीक, व्यापक अवयव अगर हिंदी में कहो, यहीं पर लिखते हैं व्यापक अवयव, यानी कि एक जनरल एलिमेंट, इंग्लिश में कहो तो जनरल एलिमेंट, ठीक। ये आप नोट डाउन कर लें पॉज करके, फिर आगे बात करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, अब देखते हैं इस जनरल एलिमेंट का क्या रोल है मैट्रिक्स की दुनिया में। देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं उसको शॉर्ट में लिखना चाहूंगा, ठीक, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक। अब मैं इस मैट्रिक्स को देखिए, पहले तो इसका ऑर्डर बताइए, दो रो है इसके पास और कॉलम कितने हैं, 3, यानी कि इसका ऑर्डर है 2/3, ठीक। मैं इसको इतना लंबा ना लिख के जनरल एलिमेंट aij के टर्म में लिखना चाह रहा हूं, ठीक। आप जानते हो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, बता चुके हैं, ठीक, a इज इक्वल टू, ये आपके पास 2/3 की कोई मैट्रिक्स है, ठीक। तो मैं चाहता हूं कि इतना लंबा ना लिख के जनरल एलिमेंट के टर्म में इसको लिखा जाए, इसको जनरल एलिमेंट के टर्म, जनरल एलिमेंट आप जानते हो aij के रूप में लिखाना, aij के रूप में लिखना, ठीक। तो मैं इसको ना जनरल एलिमेंट के टर्म में ऐसे लिख सकता हूं, मैट्रिक्स aij, ठीक, फिर इसका ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 2/3, 2/3, ये आपके पास 2 क्या होगा रो नंबर, ये 3 कॉलम नंबर, यानी कि जो i की वैल्यू होगी 1, 2, i की जो वैल्यू होगी या तो फर्स्ट रो या सेकंड रो, एक रो दो रो, दो ही रो है, यानी i की वैल्यू आप कितना ले सकते हो, या तो 1 या 2, यानी कि जो यहां से i की वैल्यू आएगी 1 के इक्वल है उससे बड़ी, लेकिन 2 के इक्वल है उससे छोटी, यानी 1-2 के बीच रहेगी, i की वैल्यू 1 या 2 रखो इसमें। और j की वैल्यू देखिए, j क्या है, कॉलम नंबर, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, यानी इस j की वैल्यू आप 1-2-3 कुछ भी रख सकते हो, ठीक, j की वैल्यू आप 1-2-3 रख सकते हो, यानी कि 1-2-3 है ना, इसका मीनिंग भी तो वही हुआ, J1-2-3 का मीनिंग क्या हो, J1 के इक्वल है, 3 के इक्वल है और इनके बीच में, ठीक, मींस J की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, समझते हो इस नोटेशन को, इसी का मीनिंग तो ये हुआ, आप J इक्वल टू 1-2-3 लिखो, या J की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन इक्वल, 3 से लेस देन इक्वल, इसका मीनिंग भी यही होगा, ठीक। इसी प्रकार से ये है आई ग्रेटर देन इक्वल 1, लेस देन इक्वल 2, इसका मीनिंग क्या होगा, आई 1 या 2 होगा, ठीक। तो इसको नोटेशन में शॉर्ट आपके पास लैंग्वेज में आपने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक। तो इसी मैट्रिक्स को आप जनरल टर्म में ऐसे लिख सकते हो aij 2/3, ठीक। उसी प्रकार से एक दूसरे एग्जांपल से आप आपको समझाते हैं इस जनरल एलिमेंट के बारे में, ठीक।
देखिए आपके पास ये कोई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, मींस कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, इसको हम जनरल एलिमेंट ए आई जी के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं इसको। पहले तो इसका ऑर्डर बताइए, दो रो है, कॉलम कितने आपके पास, थ्री कॉलम, यानी इसका ऑर्डर है 2/3, ठीक। इसको मैं ए आई जी के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ठीक। तो ए इज इक्वल टू ए आई जी, ए इक्वल टू ए आई जी, इसका ऑर्डर आपके पास 2/3, ठीक। और ए आई जी डिफाइंड है, ए आई जी इस रूप में डिफाइंड है, इस रूप में आई प्लस जे बाई टू, ठीक। और जो आई है, आई देखो मींस रो नंबर एक, दो, दो रो है इसके पास, यानी कि जो आई की वैल्यू है 1 > 2 > एंड जो जे है आपके पास कॉलम नंबर देखिए, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, यानी जो जे की वैल्यू है वो 1 > 3 > ठीक। देखिए अब इस जगह से क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि एक आपको जनरल एलिमेंट दे दिया है, ठीक, ये इक्वेशन दे दी आपको आई जे की, ठीक, आई जे के टर्म में, और वो कहां से कहां तक वैरी कर रहा है ये भी आपको दे दिया। तो इससे कहेगा कि एक मैट्रिक्स बताओ 2/3 ऑर्डर की, 2/3 ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स बतानी होगी। तो आप कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, सिर्फ आई जे की वैल्यू पुट कर दें, ठीक। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन इस प्रकार से दे देगा, ए बराबर ए आई जे 2/3, ठीक, ए आई जे आई प्लस जे बाई टू है, आई वैल्यू कर रहा है 1 से 2, जे वैल्यू कर रहा है 1 से 3, तो मैट्रिक्स ए बताएगा, ठीक, 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। जैसे 2/3 तो ऑर्डर तो इसका भी कितना आएगा, 2/3, ठीक। इस जगह पे जो एलिमेंट आता है A11, A12, ठीक, A13, देखो तीन ही रो है, तीन कॉलम है, तो इससे आगे नहीं बढ़ोगे ना, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम हो चुके, रो दो है, यानी एक रो और ड्रॉ कर सकते हो आप, A21, A22, A23, ठीक, ये आपके पास कंप्लीट मैट्रिक्स। अब हमें A11, A12, A13, A21, A22, A23 की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, ठीक, उनकी वैल्यू फाइंड करके इसमें रख देंगे तो मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक। कहने का मीनिंग, अगर जैसे A11 ढूंढना, A11 तो यहां रखिए, A11 कितना आएगा, 1 + 1/2 कितना आ जाएगा 1, ठीक। चलो पहला ही क्वेश्चन है 1 + 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा 1, इस वाले क्वेश्चन में, ठीक। उसी प्रकार से A12 ढूंढा आपने, तो क्या आई प्लस दे, यानी 1 + 2/2 है, बाई टू कितना जाएगा 3/2, ठीक। यानी A11 की जगह आप कितना रख सकते हो 1, A12 की जगह कितना रख सकते हो 3/2, ठीक। A13 की जगह 1 और 3 रखो, 1 + 3/2, 4/2 यानी कि 2, इस 1, 3 की जगह कितना रख दोगे 2, 2, 1 है ना, एलिमेंट है 2, 1, 2 + 1/2 यानी कि 3/2, इसकी जगह कितना जाएगा 3/2, ठीक। 2, 2 है यानी कि 2 + 2/2 कितना जाएगा 4/2 यानी कि 2, उसी प्रकार देखो 2 + 3 = 5/2, यानी कि एक जनरल एलिमेंट आपको दिया होगा तो उससे मैट्रिक्स ऐसे ढूंढोगे आप, ठीक, आई जे की वैल्यू अलग अलग करके, ठीक। इसमें जो एलिमेंट थे उनका नंबर कितना आया 6, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी ढूंढ सकते हो, ठीक, इनके एलिमेंट कितने हो सकते हैं, अगर ऑर्डर आपको कुछ नहीं दिया है, ठीक। तो ये देखो आई के पास कितने ऑप्शन, 1 या 2, दो ऑप्शन है इसके पास, ठीक। जे के पास कितने ऑप्शन, 1, 2, 3, तीन ऑप्शन, ठीक, 2 × 3 = 6, ठीक। इस प्रकार ऑप्शन वाले तरीके से भी ढूंढ सकते हो, जो कि हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना तरीके, किसी के कितने ऑप्शन है तथा दूसरे क्रिया के कितने ऑप्शन है, तो टोटल घटना के कितने ऑप्शन होंगे डिटेल में बता, ठीक। वैसे वो क्रमचय संचयी का पाठ, ठीक, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक, गणन सिद्धांत कहते हैं।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक। बेसिक इतना से था, जो आएगा फिर इसके पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक। एक आध क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए बहुत बेसिक सा बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके आव्यूह की समझ जांचने के लिए, बहुत इजी है, थ्योरी आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा। देखिए आव्यूह ए बराबर 2519-7 35-2 5/2 12 √3 1-5 17 के लिए ज्ञात करें आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव A13, A21, A33, A24, A23। ठीक, सबसे पहले तो आव्यूह की कोटि बताइए। कोटि मीन्स रो नंबर इनटू कॉलम नंबर। रो किसे कहते हैं? एलिमेंट से पास होने वाली जितनी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कितनी ड्रॉ कर सकते हो? 1, 2, 3। यानी कि रो नंबर है 3। कॉलम नंबर देखिए है ना, कितनी आप वर्टिकल लाइन एलिमेंट से जाने वाली ड्रॉ कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4। यानी कि 3/4 इसका ऑर्डर है, ठीक। इसकी कोटि यानी कि इंग्लिश में इसको ऑर्डर कहा जाता है। तो इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो 3/4। दूसरा क्वेश्चन अवयवों की संख्या, वैसे भी काउंट कर सकते हो लेकिन जब बहुत ज्यादा होगी कैसे काउंट करो, ठीक। सीधे सीधे इनका जो मल्टीप्लीकेशन 3 × 4 = 12, तो इनकी संख्या 3 × 4 = 12 होगी, काउंट करके भी आप देख सकते हैं। 4 × 4 = 4, 3 × 12, ठीक। अब बात आती है अवयव A13 की, ठीक। A13 कौन सा अवयव होगा? 1 रो हो जाएगा, 3 कॉलम है ना, 1, 2, 3 कॉलम, ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 19 हो जाएगा। A13 एलिमेंट कौन सा है? 19, ठीक। उसी प्रकार से 2, 1 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का, देखो ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का मेंबर 35, ये आ जाएगा 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये है थर्ड रो, थर्ड कॉलम ये है थर्ड कॉलम, यानी कि -5। थर्ड रो और थर्ड कॉलम का मेंबर -5। उसी प्रकार से A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम का, सेकंड रो ये है फोर्थ कॉलम ये, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम का मेंबर कौन है? 12। तो A24 कौन सा हो गया? 12। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, पहली रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये कौन सा होगा? 5/2, 5/2, ठीक। तो इस प्रकार से ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इससे आगे के कॉन्सेप्ट और थोड़ा इससे थोड़ा एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखें, ठीक है। आप इसका नोट्स बनाएं।